हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एक दिन की छुट्टी के बाद अपन निकल गए हैं। आज 15 जुलाई है, मतलब 14 जुलाई की रात है। आज 15 जुलाई फ्राइडे हो चुका है अब तक, और रात है ये। तो आज मैंने डिवाइस अपना यही जस्ट अभी एयरपोर्ट पर आकर 1:15 बजे लॉगिन किया है, साढ़े बारह बजे सॉरी। तो 12:30 बजे मैं घर से निकला था, मेरा एक प्राइवेट भाड़ा था वहाँ से एयरपोर्ट का, टीटू इंटरनेशनल का। तो मैंने उन्हें ड्रॉप किया है, 300 रुपये का भाड़ा था, घर से मेरे 13 किलोमीटर का है। तो मैंने पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया है और एयरपोर्ट पे आ गया हूँ। 40-45 टोकन चल रहा है, देख लो आप लोग, शायद दिखेगा नहीं, 40-45 टोकन है और एयरपोर्ट पे आ गया। तो पहले भाड़ा का यद करते हैं और देखते हैं हमें पहला भाड़ा कैसा लगता है। और आपको तो पता ही है, पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि मेरा खर्चा कितना हो गया था, 7000 का खर्चा हो गया था। और अब गाड़ी वगैरह जरा थोड़ा और केयर से चलानी पड़ेगी, खड्डे बहुत है भाई आते समय, फिर बड़े बड़े खड्डे थे घाट गोपर के साइड में। तो वही सब देख के अब गाड़ी चलाना पड़ेगा, ज़्यादा स्पीड में नहीं, 60 की स्पीड में रखना पड़ेगा। लेकिन पैसेंजर ऐसे ऐसे मिल जाते हैं भाई, स्पीड चलाओ फास्ट चलाओ, तो वही दिक्कत हो जाती है भाई। अपना ही तो, मैं तो फास्ट चलाने का कोई शौक नहीं है, पैसेंजर की वजह से फास्ट थोड़ा चलाना पड़ता है। तो देखते हैं गाइस, अभी अपडेट करते हैं आपको क्या है क्या है भाड़ा रात में क्या नहीं है। तो अभी 1:20 हो रहा है और मैं एयरपोर्ट पर खड़ा हूँ, यहाँ से हमें भाड़ा मिलता है कि नहीं ये आपको देख लो। 40-45 टोकन है मेरा, उसी हिसाब से आप भी अंदाजा लगा लेना यहाँ का क्या हाल होने वाला है। तो मैंने जो प्राइवेट बुकिंग किया था एयरपोर्ट, वहाँ से मुझे 45 टोकन मिला था और मुझे खार घर का एक भाड़ा मिल गया एयरपोर्ट से। 44 किलोमीटर की राइड थी, तो टोल के साथ मुझे 447 रुपये मिले हैं और 120 रुपये मेरा अलग रिफंड भी मिला है जो पार्किंग का था। तो यानी 550 रुपये का मेरा यहाँ पे अर्निंग हो चुका है, साफ साफ फ़ायदा हो चुका है। तो अब देखते हैं खारघर से हमें कोई और ट्रिप वगैरह मिलता है। पहला ट्रिप तो काफ़ी अच्छा रहा, सीधा 550, और दूसरा ट्रिप देखते हैं अब क्या लगता है क्या नहीं। एक प्राइवेट भी मारा था मैंने 300, तो 850 रुपये हो गए हैं। और अब देखते हैं और आगे क्या है। अभी रात में खारघर में मैं 2:37 पे हूँ, तो कितने बजे ट्रिप लिखता है आप देख लेना यहाँ से, कैसा ट्रिप है कैसा नहीं, तो आप लोग समझ जाओगे गाइस। गाइस तुम्हारे गाइस का खारघर से अंधेरी का एक भाड़ा लग चुका है। तो अभी टाइमिंग है 4:15 का, तो मैं 5 मिनट पहले ही यहाँ पे आ चुका हूँ। तो 4:15 का पिकअप है, कस्टमर आएंगे, सॉरी 3:15 का पिकअप है, 3:15 का पिकअप है। मैं यहाँ कस्टमर का वेट करता हूँ, पैसेंजर का, और जब तक बात हो गई है मेरा, पैसेंजर बोले मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, तो अच्छा है। मुझे पहला भाड़ा एयरपोर्ट से मिला था खारघर का, दूसरा खारघर से मुझे अंधेरी मिल गया, वापस मुंबई पहुँच गया। अच्छा भाड़ा मिल जाएगा, अच्छा खासा हो जाएगा आज काम, दो भाड़ा और एक प्राइवेट भाड़े में ही अपना काम बनता दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं, पैसे भी तो निकालने हैं जो खर्चे हुए हैं। और बारिश हल्की पुल्की हो रही है यहाँ पे, झूम झाम झूम लगी हुई है और छोटी मोटे बारिश हो रही है, ज़्यादा बड़े बारिश नहीं हो रही है, तेज़ बारिश होगा तो उसी हिसाब से। लेकिन खड्डे बहुत है रोड में भाई, कहीं भी घड़ाम से खड्डे आ गए, 2-3 बार खड्डे आ चुके हैं। तो अब थोड़ा देख के चलाना पड़ेगा मुझे, थोड़ा स्लो चलाना पड़ेगा। इस तुम्हारे भाई ने दूसरा ट्रिप कंप्लीट कर ही दिया। तो फर्स्ट मैंने प्राइवेट एयरपोर्ट लाया, फिर एयरपोर्ट से मैं खारघर गया फर्स्ट ट्रिप मेरा, उसके बाद वहाँ से मेरा सेकेंड ट्रिप फिर से वो एयरपोर्ट का ही लगा। तो मैंने एयरपोर्ट पर पैसेंजर को ड्रॉप किया, इस तरह से मेरे जो 2 ट्रिप और एक प्राइवेट ट्रिप हो गए हैं। तो मेरे कुछ 1300 रुपये की अर्निंग हो चुकी है 2 ही ट्रिप में, एक प्राइवेट ट्रिप में मिला के। तो अब देखते हैं आगे, एयरपोर्ट पे फिर खड़े हैं, टोकन बहुत ज़्यादा है, 100 के ऊपर है। टोकन बता देता हूँ आपको कितना है, 125-130 टोकन चल रहा है। तो वेट करते हैं 1 घंटा, अभी इधर उधर घूम के मतलब नहीं है, क्योंकि एक भाड़ा और मिल गया तो अपना काम हो जाएगा। तो वेट करते हैं 1 घंटा और एक राइड और कंप्लीट करते हैं और जाते हैं घर पे मस्त एकदम। गाइस तो अच्छा दिन रहा आज का, 3 भाड़े तीनों एयरपोर्ट के मारे मैंने, चौथा भाड़ा भी एयरपोर्ट का ही मारूंगा मैं, ठीक है गाइस। तो गाइस मैंने अपना एयरपोर्ट से चौथा राइड ले लिया है, तो चारों राइड आज एयरपोर्ट का रहा। तो चौथा राइड मैं अभी आ गया हूँ अपोलो बंदर गेटवे ऑफ इंडिया के पास आ गया हूँ, और गो टू होम डाल दिया हूँ। अब यहाँ से सीधा निकलते घर, एक ऑर्डर और करते हुए हम सीधा निकलते घर। और ऑर्डर आ चुका है मुझे साकीनाका का, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये साकीनाका चलते हैं, उधर से हम फिर घर चले जाएंगे, हमारे 5 ऑर्डर हो जाएंगे कंप्लीट, साथ में एक मैंने प्राइवेट भी किया था, तो अच्छी खासी अर्निंग हो गई गाइस, मज़ा आ गया आज। आज मैंने वेट नहीं किया एयरपोर्ट पे, लेकिन 1 घंटा सोया था मैं, तीसरे भाड़े के बाद आराम से सो गया था। तो अब चलते हैं, अब पैसेंजर को ड्रॉप करते हैं। अच्छा रहा आज का दिन रात में, अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, 7:30 बज गए, तो 8:30 बजे घर पहुंच जाएंगे हम। तो गाइस फाइनली मुझे 5वां ट्रिप मुझे गेटवे ऑफ इंडिया अपोलो बंदर से लगा था साकीनाका का, मैंने गो टू होम डाला था, तो मैंने पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया है।
तो मेरे 5 राइड कंप्लीट हो गए हैं और जो मेरा अर्निंग है वो करीब 21-22 सौ के आसपास है, और 301 मैंने प्राइवेट भी मारा था, तो टोल रिफंड भी आया हुआ है मेरा, क्योंकि मेरे पास पास है तो अर्निंग में ही जोड़ेंगे उसको। तो मेरा टोटल आज मेरे हिसाब से मैंने 2500 रुपये की अर्निंग कर लिया है, तो अच्छा रहा। और घर पे टाइम पे भी आ गया हूँ, और आज निकला भी था बहुत लेट, पता आप लोगों को 12:30 बजे मैंने प्राइवेट भाड़ा लेके गया था 12:30 बजे, उसके बाद CNG भर के मैं निकला प्राइवेट भाड़ा में, तो अच्छा खासा अर्निंग हो गया आज, 2500 रुपये का अर्निंग हो गया, 530 रुपये का CNG भरा था मैंने, मज़ा आ गया भाई। ऐसे ही धंधा होना चाहिए, फटाफट आराम से, खाली नहीं बैठे, एयरपोर्ट पे बैठे थे 1 घंटा सोए थे आराम से, आराम भी मिल गया और भाड़ा भी हो गया और पैसे भी कमा लिए। तो चलते हैं अब घर पे गाइस।